हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं तो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य है। आज पूरे विश्व में लोग वहां देशों की उम्र ढल रही, ढलाव पर है, तो भारत युवान की तरह ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है, तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है, यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं, और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए, हमें फिर एक बार, और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है, और इसलिए हमें ये खमाना नहीं है। युवा शक्ति और मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है, और हमारी नीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देखकर के। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है, और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था, और बाली में दुनिया के समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश भी, उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बारीकियों से जानने के लिए इच्छुक, हर कोई इसका सवाल पूछता था। और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है वो दिल्ली मुंबई चेन्नई तक सीमित नहीं है,
भारत ने जो कमाल कर रहा है, मेरे टीयर टू टीयर थ्री सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य भर रहे हैं, छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान। और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं, देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है, और इसे मैं कहता हूं, हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, ये हमारे छोटे छोटे शहर हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है, वो सामर्थ्य उनके अंदर है।